हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? तो देखिए, रिवाइज्ड क्रिमिनल रिफॉर्म बिल्स इन पार्लियामेंट, व्हाट हैज चेंज्ड एंड व्हाई, चलिए देखते हैं। द सेंटर ब्रॉट इन थ्री रिवाइज्ड क्रिमिनल रिफॉर्म बिल्स इन लोकसभा ट्यूजडे, विदड्रॉइंग द अर्लियर वर्जन। ऑन अगस्त 11, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज इंट्रोड्यूस्ड थ्री बिल इन लोकसभा, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 टू रिप्लेस इंडियन पिनल कोड IPC 1860, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, तो एक तो ये हो गया BNS, दूसरा हो गया BNSS, टू रिप्लेस CRPC 1973 ओरिजिनली इनेक्टेड इन 18, एंड दी भारतीय साक्ष्य बिल टू रिप्लेस इंडियन एविडेंस एक्ट, ये थर्ड हो गया, ठीक है। 1872 में एविडेंस एक्ट राइट है, उसको रिप्लेस करने के लिए भारतीय साक्ष्य बिल 2023। दे वर रेफर टू स्टैंडिंग कमिटी ऑन द सेम डे। द कमिटी हेडेड बाय द बीजेपी MP ब्रिज लाल प्रपोज सेवरल चेंजेस टू द बिल। इन विंटर सेशन द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द बिल। वॉट वॉज सजेशन एंड वॉट चेंज्ड? सजेशन क्या था? हैंडकप्स, द यूज ऑफ हैंडकप्स एज अलाउड इन क्लॉज 43 सब क्लॉज 3 ऑफ द BNSS, मतलब आपका ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ इंडिविजुअल अक्यूज ऑफ सीरियस ऑफेंस एंड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड सेफ्टी ड्यूरिंग अरेस्ट, हैज वेलकम्ड बाय द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर। हाउएवर द पैनल सजेशन दिस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू हीनियस क्राइम्स लाइक रेप मर्डर रेदर देन एक्सटेंडेड टू पर्सन्स कमिटिंग इकोनॉमिक ऑफेंसेस। तो अगर कोई पैसे की धोखेबाजी कर रहा है उसके लिए एक नहीं है, कोई बड़ा क्राइम कर रहा है जैसे रेप मर्डर तो उसके लिए है। दिस इज बिकॉज इकोनॉमिक ऑफेंस इनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ ऑफेंसेस फ्रॉम पेटी टू सीरियस। इट मे और मे नॉट बी सुटेबल टू ब्लैंकेट एप्लीकेशन ऑफ हैंड कफिंग इन ऑल केसेस। ठीक है, ये मेरे को भी सही लग रहा है। चेंज किया हुआ है, द रिकमेंडेशन टू डिलीट इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड। ऑल दो अर्लियर BNSS हैड एन एक्स्ट्रा लाइन ऑन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट टू इंक्लूड दोज दैट इंडेंजर द कंट्री सॉवरिटी इंटीग्रिटी एंड यूनिटी, द न्यू प्रोविजन सिंपली मैंडेट्स यूजिंग हैंडकप्स फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। दिस कुड मीन दैट द यूज ऑफ हैंडकप हैज बीन मेड मोर डिस्क्रिशनरी। तो अपने मन से आपको मन करेगा लगा लोगे, क्योंकि यहाँ पे अब आपको लग रहा है कि ये क्राइम इकोनॉमिक क्राइम भी सीरियस है तो आप लगा लो हैंडकप। इन एडिशन द न्यू प्रोविजन एक्सटेंडेड द यूज ऑफ हैंडकप टू पर्सन बींग प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट एज वेल। मर्सी पटिशन के ऊपर दूसरा, तो पहला हमने हैंडकप देख लिया, ठीक है, दूसरा आप देखिए आपका ये मर्सी पटिशन के ऊपर हो रहा है। क्लॉज 473 क्लॉज 1 ऑफ द अर्स्टवाइल BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अलाउड कन्विक्ट्स अंडरगोइंग डेथ सेंटेंस और देयर किन टू फाइल मर्सी पिटीशन वाइल प्रोवाइडिंग द प्रोसीजर एंड टाइम फ्रेम ऑफ द सेम। आफ्टर बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय जेल अथॉरिटीज अबाउट द डिस्पोजल ऑफ पिटीशन ऑफ अ कन्विक्ट सेंटेंस टू डेथ, ही हिज लीगल हेयर और रिलेटिव कैन सबमिट अ मर्सी पिटीशन ऑन विद इन 30 days और टू द गवर्नर। इफ रिजेक्टेड दैट पर्सन कैन पिटीशन द प्रेसिडेंट विद इन 60 days। नो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट शैल लाई इन एनी कोर्ट। तो प्रेसिडेंट जो बोल दी फाइनल। द अर्लियर प्रोविजन ऑल्सो सेट दैट द प्रायर सबमिटिंग द प्ली बिफोर द गवर्नर और द प्रेसिडेंट इट मे प्रेजेंटेड टू द सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट। हाउएवर द पैनल सजेस्टेड कॉन्स्टिट्यूसिंग अ क्वासी जुडिशियल बोर्ड टू डील विथ कम्युनिकेशन एंड रेमिशन रेदर देन लीविंग कम्यूटेशन एंड रेमिशन रेदर देन लीविंग जुडिशियल फंक्शन टू द एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन। इट ऑल्सो प्रपोज दैट द टाइम फ्रेम बी प्रोवाइडेड फॉर मर्सी पटिशन टू बी हर्ड। चेंज किया हुआ है। वॉट बिसाइड्स चेंजिंग द प्रोविजन्स नंबरिंग फ्रॉम क्लॉज 473 टू 472, द न्यू बिल हैज डिलीटेड द प्रोविजन दैट अलाउड मर्सी पटिशन टू बी फॉरवर्डेड टू होम डिपार्टमेंट और ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंटर। ऑल दो क्लॉज 473 क्लॉज 7 सेड नो अपील शैल लाई इन एनी कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 एंड मॉडिफाइड क्लॉज 472 क्लॉज 4 मेक्स द गवर्नर ऑर्डर आर्टिकल अंडर आर्टिकल 161 अनपीनेबल देर बाय ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ वॉट कैन नॉट बी चैलेंज। तो ये चीज़ें अब चैलेंज अच्छे से आराम से नहीं हो पाएंगी, सिंपल सी चीज। प्रिवेंटिव डिटेंशन पावर।
क्लॉज 172 क्लॉज 2 ऑफ द बीएनएसएस एक्सपेंडेड द पुलिस पावर व्हाइल टेकिंग द प्रिवेंटिव एक्शन. इट अलाउड द पुलिस टू डिटेन और रिमूव पर्सन रेजिस्टिंग रिफ्यूजिंग इग्नोरिंग और डिसगार्डिंग टू कन्फ्रंट टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय देम अंडर सब सेक्शन 1 एंड टेक देम बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट और इन पेटी केसेस रिलीज देम व्हेन द ओकेजन इज पास्ड. द पैनल सजेस्टेड दैट द टाइम that the time period for which detention should be specified and the words release him when the occasion is past needs to be clarified to remove ambiguity. तो ये time has been passed, occasion has been passed, तो वो कब pass हो रहा है, ये ambiguity को हटाओ. What changed? The bill says that the person detained may be taken to magistrate or in petty cases be released within 24 hours. Moreover, judicial magistrate in the old BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हैज रिप्लेस द मजिस्ट्रेट. तो आप देखिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रिप्लेस किया गया मजिस्ट्रेट से. तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं सैडल डीएम भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी ये काम कर सकते हैं, हो सकता है ऐसा. तो यहाँ पे पता चल गया हैंडकफ हो गया, मर्सी पटिशन हो गया और आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया. ये 3 केसेस थे आपके, इसमें चेंजेस हुए हैं और क्या चेंजेस हुए हमने अच्छे से देख लिए. So thank you guys, please work hard to achieve all your dreams.